नमस्कार दोस्तों वेलकम यूर अगेन टू दिस लेक्चर सीरीज इन विच वी आर एनालाइजिंग दिस ईयर इकोनॉमिक सर्वे एंड सो इन आर कंटिन्यूएशन विथ आर पास्ट लेक्चर्स इस लेक्चर में हम बात करने की कोशिश करेंगे ऑन चैप्टर एट ऑफ वॉल्यूम टू विच इज डिस्कसिंग अबाउट द इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जस्ट लाइक वट वी हैव टॉक इन आर पास्ट लेक्चर अबाउट द सर्विस सेक्टर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसमें बहुत चीजें सीखी होंगी तो बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को भी पढ़ेंगे आगे चल के मगर इन सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूँ इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले एलबर्ट आइंस्टीन का एक कोट विच इज़ वेरी मच रेलिवेंट दिस ईयर फॉर आर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेट इज़ इन द मिड्स ऑफ एवरी क्राइसिस हर क्राइसिस के बीच में देयर लाइज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमेशा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी वेट करती रहती है जैसा कि हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं वी आर हिट बाय द वन इन सेंचुरी क्राइसिस तो जिस तरीके से हमने सर्विस सेक्टर को देखा था कि इट गॉट हैम्पर्ड ड्यू टू दिस पेंडेमिक हाउ इट वॉज हैम्पर्ड वॉट वर द नेगेटिव इफेक्ट्स तो बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे भी देखेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये यह यहाँ पे अनलॉक के फेज में रिकवर होना शुरू हुई जो शॉक इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को लगा था जैसे कि यहां पर प्रोडक्शन में डिक्लाइन आ जाना एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन आ जाना ये रिकवर होना शुरू हुआ और ये चीज़ तो हमने वी शेप्ड रिकवरी के टाइम भी पड़ी थी कि किस तरीके से आफ्टर द अनलॉक फेज आर इकोनॉमी रिकवर्ड थ्रू अ वी शेप टाइप तो यहाँ पे इसके लिए हमको सबसे बड़ा जो कॉम्पोनेंट नज़र आता है वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो है अबाउट द एट कोर इंडस्ट्री जिसको हम फ्यूचर में देखेंगे क्योंकि यही बताएगा दोस्तों आपको कि जो हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो किस तरीके से काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जब आप स्टिमुलस पैकेज के बारे में मेरे साथ पढ़ोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज के थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी पैकेजेस निकाले तो कैसे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुई थी नवंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी में तो अप्रैल में इसका कॉन्ट्रैक्शन था माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट का मगर उसके बाद इसका कॉन्ट्रेक्शन सिर्फ वन पॉइंट नाइन परसेंट का रह गया नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में राइट और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अपना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इस सेक्टर के लिए किया है जिसको हम फिजिकल पॉलिसी के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और साथ ही साथ यहां पे हम कुछ स्पेसिफिक इसके बारे में खबरें देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पे हमारी गवर्नमेंट ने किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए हैं किस तरीके के मेजर्स लिए हैं हमको यहां पे ये यह पता होना चाहिए जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारी इकोनॉमी में जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती हैं इसको रिड्यूस करने का यहाँ पे एम लिया गया राइट रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम प्राइस एंटरप्राइजेस को यहाँ पे सपोर्ट दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपटीशन है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को किस तरीके से बढ़ाया जाए अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान इस पर जोर दिया गया ये सारे ही चीज़ों को हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में भी डिस्कस किया था तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जैसे कि यह जो इनिशिएटिव लाया गया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो आपके साथ में बेसिक कोर और एडवांस लिखा हुआ है जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए वो सब एनसीआर को कवर करके थ्रू आर वीडियो लेसन बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से पूरे क्लियर हो जाए आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओ देन वी विल मूव अहेड टू द कोर जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे जोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमी इनको 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवेल्यूएशन इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं एंड ऑफकोर्स जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं एंड दिस इज़ आर वन ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो वीडियो डॉट ओन डॉट इन पर जाके इस चीज़ को कवर कर सकते हैं एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कॉमेंट बॉक्स इसके बाद में किस तरीके से एक बुके डेवलप किया गया इक्विवेलेंट टू नियर अबाउट थर्टी लाख करोड़ जो हम पढ़ चुके हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज का डेट इज फिफ्टीन परसेंट ऑफ इंडिया जीडीपी रिलीफ और सपोर्ट देने के लिए ओवरऑल इकोनॉमी को तो यहां पे हम इसको समराइज करेंगे पर्टिकुलरली किस तरीके के इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट लेके आई इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए तो सबसे पहला इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो हम पढ़ेंगे वो है आत्मनिर्भर भारत वन अब देखते जाओ इसमें बहुत शांति से ये रिलीफ और क्रेडिट सपोर्ट दे रहे हैं हम एमएसएमई को ये आपने समझ लिया तो पहला सपोर्ट किस फॉर्म में आप ये समझो तीन लाख करोड़ रुपए मिलेंगे को फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमई अब ध्यान देना ये वाले जो लोन है ये कैसे हैं जिसमें किसी भी तरीके का कोई फ्रेश को मतलब कि जो कंपनियां हैं एमएसएमई उनको वापस से ये पैसा जब दे रहे हैं तो कोई फ्रेश को नहीं रखवा रहे पहली चीज़ और दूसरी चीज ना ही कोई गारंटी फी रखवा रहे ठीक है थीके? तो ये क्या सारे एमएसएमई के लिए नहीं क्योंकि देखो ना कोई फ्रेश कोलेट्रल नहीं रखवा रहे इसका मतलब ये वो एनपीएज होंगी जिनका ऑलरेडी जो पेमेंट है वो सही चल रहा होगा एग्जैक्टली exactly, ये वो एन N... हैं, जिनका अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड अकाउंट में आएगा क्लियर हो रही बात तो स्टैंडर्ड अकाउंट वालों के लिए फैसिलिटी है अभी कौन सी फैसिलिटी है कौन सी स्कीम है तो ये है ई सी जी एस डेट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इसमें पैसे कैसे दिए जा रहे हैं एमएसएमई को यहां पे तीन लाख करोड़ रुपए एडिशनल फंडिंग इनको मिलेगी क्लियर हो रही बात किसको मिलेगी उन बोरोवर्स को जिनका पच्चीस करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग पेमेंट है या फिर हंड्रेड करोड़ रुपीज का टर्न है वो इसके लिए एलिजिबल है और साथ ही साथ अकाउंट कौन सा होना चाहिए स्टैंडर्ड अच्छा स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं क्योंकि अगर सब स्टैंडर्ड अकाउंट है राइट अगर सब स्टैंडर्ड अकाउंट है तो उनको लिए फैसिलिटी नहीं है क्लियर ठीक है अब इस स्कीम के थ्रू देखो क्या करने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार इस स्कीम में 100 परसेंट क्रेडिट गारंटी कवर दे रही है किसको बैंक्स और एनबीएफसी को ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मतलब बैंक्स और एनबीएफसी कंपनी पैसा दे दे किसको एमएसएमई को और वो जो पैसा दे रही है बैंक और एनबीएफसी उस पैसे के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे गारंटी किसने दे दी गवर्नमेंट ने दे दी राइट right? तो इस तरीके से ये लोग आप पैसा दे, दे देंगे अब क्या चिंता है और इस तरीके से जो स्टैंडर्ड असेट वाली एमएसएमई हमारी वो बच जाएगी और ये तो हम देख ही चुके ना कि एमएसएमई को बचाना क्यों जरूरी है क्लियर हो गया अब चलते हैं दूसरे इस पर यहां पे दो चीजें ध्यान रखना है एक तो सब डेट की बात चलेगी और यहां पे स्ट्रेस्ड एमएसएमई की बात चलेगी ठीक है पैसे तो ठीक है बीस हजार करोड़ रुपए हमको ज्यादा मतलब नहीं है देखो आपको पता होना चाहिए कि एमएसएमई को जब लोन देते हैं तो वो लोन इंश्योर्ड हो जाता है करती कौन है संस्था यह आपको पता होना चाहिए इसको क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ये फर्म इंश्योर करके देती है क्लियर तो यहां पे क्योंकि ये यह स्ट्रेस्ड एमएसएमई है मतलब कि इनका जो असेट है मतलब जो बैंक ने इनको लोन दिया वो जो असेट है वो क्या है सब स्टैंडर्ड हो गया है राइट तो यहां पे बैंक्स क्या करेगी अब बचाना तो इनको भी पड़ेगा ना दोस्त तो बैंक्स क्या करेगी इनको सबॉर्डिनेट डेट दे देगी अब ये सबॉर्डिनेट डेट किस तरीके से देगी कि यहां पर जितना बैंक का एग्जिस्टिंग स्टेक लगा हुआ है उस एमएसएमई में उसका पंद्रह परसेंट पैसा इनको मिलेगा राइट right? और मैक्सिमम कितना मिल सकता है 75 फाइव लैख क्यों क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड असेट हो चुके हैं अगर लॉस हो तो भी कम हो यहां से ये समझा जा सकता है इस कारण सेवेंटी फाइव लैख की इसमें क्या कर दी लिमिट लगा दी ठीक है और इस तरीके से ये सब ऑर्डिनेट डेट मिल जाएगी एम एस एम को ठीक है अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगले पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे वो ये है कि यहां पे फंड ऑफ फंड्स की बात चलेगी पहला और दूसरी बात चलेगी इक्विटी इन्फ्यूजन की अगेन ये पचास हजार करोड़ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए तो दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो हमको यहां से मिल रहे हैं एक है इक्विटी इन्फ्यूजन का और दूसरा है फंड ऑफ फंड्स का तो चलिए गवर्नमेंट ने एक दस हजार करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड बना दिया जो कि इक्विटी फंडिंग कर रहा है एमएसएमई को अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब बहुत साफ है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है गवर्नमेंट बोलेगी बैंक्स को पैसा देके कि आप किसको इन्वेस्ट करो आप एनबीएफसी में इन्वेस्ट कर दो राइट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो जिस कारण से मार्केट में दस हज़ार करोड़ से अगर पैसा डालें तो ये पचास हज़ार करोड़ रुपए ट्रिकल डाउन हो जाएगा तो यही फंड ऑफ फंड्स के थ्रू जिससे बहुत मदर एंड डॉटर फंड्स काम करेंगे और यहां से एम को फंडिंग की जाएगी तो यहां पे इक्विटी फंडिंग के थ्रू वायबल एमएसएमईस को फंड प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है और यह साथ ही साथ सशक्त करेगी एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए भी राइट और साथ ही साथ यहां पे एमएसएमई में हमको नई डेफिनेशन भी देखने को मिली यह हमने देखी भी थी जहां पे हमने देखा था ना कि जो पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती थी इसको रिवाइज कर दिया और अब एक ही कर दिया ठीक है जहां पर टर्न और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर हमने देखी थी हम आगे भी देखेंगे इसको तो इसके लिए हमने इसको एमएसएमई एस के डेफिनेशन को रिवाइज करा इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है वो है ग्लोबल टेंडर्स को डिसअलाउ करना अप टू 200 करोड़ रुपए में मतलब कि जो भी 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर्स निकलेंगे उसमें फॉरेन के जो कॉम्पिटेटर्स हैं वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे आप ठीक है क्यों क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो भी प्रोक्योरमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेस का दो करोड़ रुपए तक उसमें हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए और साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर को ग्रो करने के लिए हम हमारी ही कंपनीज को मौका देंगे क्लियर इसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट स्कीम एमएसएमई के लिए है ई मार्केट लिंकेज की यहां पे जो ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस होते हैं ठीक है उसको हटाके ई मार्केट लिंकेज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग क्लियर हो रही बात जिससे कि उनका बिजनेस और बढ़ पाए इनकम टैक्स रिफंड की अगर बात करें तो नियरली 8.2 पॉइंट टू लैख स्मॉल बिजनेसेस को जिनकी वर्थ करीब करीब साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए होगी यह इनको रिबेट दी जाएगी क्लियर मुद्रा शिशु लोन जैसा हम जानते हैं कि जो मुद्रा शिशु लोन हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्मॉल बिजनेसेस के लिए ठीक है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है दो परसेंट का जो भी प्रॉम्प्ट है बारह महीने तक जो भी इसमें करेंट लगातार ब्याज भरता रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट जमा करता रहेगा उसको दो परसेंट का इंटरेस्ट सबवेंशन देगी हमारी सरकार इसके बाद में एमएसएमई के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आई है राइट जैसे यहां पे जो इंसॉल्वेंसी इन बैंक कोड है या इससे जो रिलेटेड मेजर्स हैं इसमें कुछ ऐसे चेंजेस करे हैं कि एम जो है वो डिफॉल्ट की कंडीशन में जो है उनको डिफॉल्ट न किया जा सके और इनको इंसॉल्वेंट न करा जा सके बैंक जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए जो एक लाख रुपए हुआ करती थी उसको एक करोड़ रुपए का थ्रेश मिनिमम थ्रेश बना दिया एमएसएमई तो इससे वो बाहर ही हो गई फिर जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का हमारा फ्रेमवर्क था एमएसएमई के लिए उसका जो कोड है अभी कौन सा सेक्शन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसका जो कोड है उसमें एमएसएमई को स्पेशल दर्जा दे दिया गया स्पेशल फ्रेमवर्क बना दिया गया जो फ्रेश इनिशिएशन होता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का फॉर अप टू वन ईयर ये डिपेंड करेगा पेंडेमिक सिचुएशन पे मतलब ये जो मॉरिटोरियम है ये इनको दे दिया गया और साथ ही साथ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड नाइन्टीन के टाइम को एक्सक्लूड कर दिया कि यहाँ पे इनको आप डिफॉल्ट नहीं कर सकते ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी फिर अगर हम बात करें हमारे पावर सेक्टर के बारे में तो नब्बे हजार करोड़ रुपए का लिक्विडिटी इंजेक्शन किया है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज के लिए ये बहुत डेट रिडन कंपनीज हैं ये तो इनके बारे में हम जानते ही हैं राइट रियल एस्टेट की बात करें तो यहां पे जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की इसकी डेट को एक्सटेंशन कर दिया गया अंडर रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है आपसे पूछा जा सकता है ठीक है और भी कुछ जो रेगुलेटरी रेगुलेशन होते हैं उसको ईज किया गया है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा इसलिए हम इसको स्किप करेंगे हाँ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए अगर हम बात करें फॉर अ न्यू सेल्फ रिलायंट इंडिया तो यहाँ पे कुछ इनिशेटिव लिए गए जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना और यह प्राइवेटाइजेशन का टाइम अभी नहीं बताया है जैसा फिजिबल होगा गवर्नमेंट ट्राई करेगी ताकि जो एक कोर्ट है जिसको मैं उम्मीद करता हूं आपने सुना भी होगा देर इज नो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस तो ये उसी चीज को शोकेस भी कर रहे हैं इनके डिसीजन में या आप लिख सकते हो अपने मेन्स आंसर राइटिंग में राइट इसी के साथ यहां पे गवर्नमेंट सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए किस तरीके से अपना डिफाइंड रोल प्ले कर पाए सबके लिए अपनी अपनी किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो सकता है इसमें कैसे इसको ओपन कर सकते हैं इस पर विचार विमर्श कर रही है तो ये तो बात हो गई कुछ आत्मनिर्भर भारत वन के बारे में फिर हम लोग देख लेते हैं आत्मनिर्भर भारत टू जिसमें आपको दिख रहा है पच्चीस हज़ार करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए दिया गया आत्मनिर्भर थ्री की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए गए राइट टेन चैंपियन सेक्टर फाइंड आउट किए थे ये हम आगे चल के पढ़ने वाले तो इसको हम यहां पे छोड़ देते हैं हाँ, अब यहाँ पे ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसके बारे में मुझे आपको जरूर बताना पड़ेगा तो यहां पे एनआईए जो है ये गवर्नमेंट बैग्ड एंटिटी है सबसे पहला पॉइंट तो आपको यहां पे क्या नोट करना है गवर्नमेंट बैग्ड एंटिटी है राइट right? ये क्या करती है अगला पॉइंट ये लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करती है किसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए नाम से समझ में आ रहा होगा नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ठीक है दूसरा सवाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी स्टेक है क्या इसमें जी हां बिल्कुल है 49 परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेक है दूसरा सवाल रेस्ट किसके डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी हो सकता है और फॉरेन इन्वेस्टर भी हो सकता है राइट right? इसी कारण से इसको क्वासी सॉवरिन वेल्थ फंड भी बोला जाता है ये भी आप ध्यान रखेंगे क्वासीन क्वासी सॉवरिन वेल्थ फंड क्यों गवर्नमेंट के भी स्टेक से डोमेस्टिक का फॉरेन प्लेयर भी हो सकता है हाँ कब सेटअप किया गया था अगला क्वेश्चन 2015 में ये आपसे पूछा जा सकता है इसी के साथ साथ इसका हेड ऑफिस कहाँ है न्यू दिल्ली में पहली चीज हो गई तो अब जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस डेट प्लेटफॉर्म में दस हजार दो सौ करोड़ रुपए का एडिशनल बजट आउटले प्रोवाइड किया गया टुवर्ड्स कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर फॉर डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट इन सब चीज़ों के लिए ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इसकी लैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा राइट अब इस एन डेट प्लेटफॉर्म में हम लोग एक चीज़ और भी देख सकते हैं मैं आपको बता देता हूं कि डेट प्लेटफॉर्म में आप क्या देख सकते हो ये कंप्राइज करता है बेसिकली दो तरीके के फाइनेंस पहले में आता है ए आई एफ एल राइट हम पढ़ के आ रहे हैं वापस बता देता हूं हम ये एन आई आई एफ का डेट प्लेटफॉर्म पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से डेट प्लेटफॉर्म काम करता है इसमें दो फाइनेंस मिलते हैं एक है ए आई एफ एल जिसका फुल फॉर्म है असीम असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड राइट ये क्या है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है क्यों लाया गया ताकि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग को ट्रांसफॉर्मेटिव रोल दिया जा सके दूसरा है खुद एन आई आई एफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड ई एफ एल ठीक है एन आई एफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में इनकॉर्पोरेट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड इन टू थाउजेंड फोर्टीन इसके पहले का है ठीक है इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं इसमें एक्सपेक्टेशन था कि नेक्स्ट फाइव ईयर तक एक लाख करोड़ रुपए जो है ये लैंड आउट करेगा तो ये यहां पे आपको चीज बताने की कोशिश की गई है खैर यहां पे अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो लेटेस्ट एस्टिमेट ये बताते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये नेगेटिव ग्रोथ देखने वाला है ऑफ माइनस जिसमें इसका ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में रहने वाला है ट्वेंटी ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी राइट right. अब यहां पे अगर हम इसका फॉल देखें तो इसमें किसका शेयर ज्यादा रहा है तो अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विसेज को अगर छोड़ दें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ग्रॉस वेल्यूडेशन जो है वो कम हुआ है और इनकी अगर बात करें जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया रहा इलेक्ट्रिसिटी गैस इनका इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2.3 परसेंट टू 2.7 परसेंट यहां पे आप देख भी सकते हो शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड इट्स कंपोनेंट्स इन जीवीए जिसमें आपको माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री दिखा रहा है राइट अगर जैसे हम माइनिंग का उठाएं तो आप यहाँ लगातार देख सकते हो कि टू पॉइंट थ्री टू पॉइंट थ्री टू पॉइंट थ्री उसके बाद सीधा नेगेटिव डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया क्लियर तो इसमें आपने देखा डाउनवर्ड ट्रेंड ये ग्रे में आपको मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग का डाउनवर्ड ट्रेंड देख सकते हो ठीक है इलेक्ट्रिसिटी का आप देख सकते हो टू पॉइंट फाइव था यहाँ पे टू पॉइंट सेवन हो गया तो यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देखोगे यहां पे आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा क्लियर कंस्ट्रक्शन में ब्लू वाला तो यहां पे ये यह जो चीज है ये हमको ऐसे शोकेस की है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है इट स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग इमिजिएटली आफ्टर द लॉकडाउन और फाइनली फिर दोस्तों कहीं सेप्टेंबर ट्वेंटी में जाके ये पॉजिटिव में आता है इसकी ग्रोथ ट्वेंटी ट्वेंटी क्लियर तो यहां पे क्वेश्चन उठते हैं आपके लिए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है तो सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को दिखाने वाला ये क्या है एक इंडेक्स है दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस इंडेक्स में जो हमारे कोर सेक्टर्स होते हैं कोर सेक्टर्स जिस कोर सेक्टर में हमारी आठ इंडस्ट्रीज आती हैं उन आठ इंडस्ट्रीज का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है तो उसका जवाब है फोर्टी पॉइंट थ्री परसेंट तो नियर अबाउट फोर्टी परसेंट इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है इसका मतलब ये इंडेक्स जैसे जैसे मूव करता है ऊपर नीचे ये शोकेस करता है कि हमारा जो ये कोर सेक्टर है आर्ट कोर सेक्टर ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं अब आपका अगला सवाल होगा कि कोर सेक्टर्स कौन से हैं एट तो इसमें कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस रिफाइनरी प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स स्टील सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी आते हैं चलिए इसके बाद हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसा रहा तो जैसा कि आप देख सकते हो जो इसका रेट है इट रजिस्टर्ड अ शार्प राइस डेट इज फ्रॉम 1.2 परसेंट जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में हुआ करता था टू 17.5 परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2019। इसमें भी अगर हम देखना चाहें कि किस सेक्टर में पर्टिकुलरली ये देखने को मिला है तो माइनिंग क्वेरिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई कंस्ट्रक्शन अदर यूटिलिटी सर्विसेज इसमें हमें एक ग्रोथ रेट देखने को मिला है 14.9 और रिस्पेक्टिवली आप आगे चल के देख सकते हो ठीक है मगर देन टू अगर हम यहां पे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को कंपेयर करें 2012 थाउजेंड ट्वेल्व फिनांशियल ईयर से जब हुआ करता था 38.2 परसेंट ये आज की तारीख में आज अगर हम 2019 की बात करें तो जैसे 31.9 परसेंट रहा इससे बहुत कम है 2018 में 30.2 परसेंट तो मतलब ये बहुत ही कम हमें लगातार देखने को मिल रहा है फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को कुछ बताने की कोशिश की गई है ऑफ कोर्स अबाउट द क्रेडिट कि कैसा रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो ग्रॉस बैंक का क्रेडिट देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे अक्टूबर 2019 की अगर हम बात करें तो ये 3.4 परसेंट की ग्रोथ रेट दिखा रहा था जो कि इस साल 2020 की अगर हम बात करें तो ये माइनस वन परसेंट लुढ़क गया राइट यहाँ पे नॉमिनल ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो सेक्टर्स जिसमें ये पीछे रहा है क्रेडिट ग्रोथ तो जैसे सारे इंजीनियरिंग सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स बेसिक मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट्स इसमें हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है राइट इसके बाद यहाँ पे हमको जानना पड़ेगा कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा यहाँ पे बेसिकली कुछ आपको चीज बताने की कोशिश की गई आपसे पूछा जा सकता है कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन और सेल्फ सफिशंसी ये किस फाइव ईयर प्लान में हमारे ऑब्जेक्टिव में हमने सेट किया था तो उसका जवाब होगा पीसी सी प्लान नाइनटीन के राइट मगर उसी के बाद से हमने ये देखा है कि हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में प्रोडक्टिविटी बहुत लो रहती है ये बहुत ही इनिफिशेंटली काम करते हैं दे हैव अ वेरी हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर टू मेंटेन और इसी कारण से जब हमने एलपीजी मॉडल डैट इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में अडॉप्ट किया इन दिस मॉडल इन द प्राइवेटाइजेशन आर गवर्नमेंट स्टार्टेड टू प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इसी को डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है हम ये जानते भी हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं एक होता है टोकन एक होता है स्ट्रेटेजिक टोकन डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जब गवर्नमेंट 50 परसेंट से कम स्टेक किसी कंपनी में बेचे और स्ट्रेटेजिक मोर देन फिफ्टी परसेंट इसी से जुड़ी हुई संस्था जो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को डिजाइन करती है उसका नाम है दीपम इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर पब्लिक असेट मैनेजमेंट यह आपको चीज ध्यान रखनी चाहिए इसी के बाद हमें गवर्नमेंट की जो अभी पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट लेके चल रही है दैट इज देर इज नो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन द बिजनेस उसमें यह बोला जा रहा है कि जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इनको सिर्फ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में होना चाहिए स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है जैसे किसी भी देश को अगर डेवलप होना है तो उसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये जिसके लिए हम डिपेंडेंट किस पे हैं हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट्स पे यह थर्मल पावर प्लांट्स किस पे काम करते हैं या इसका रॉ मटेरियल क्या है मेन कोल कोल पे हमारी डिपेंडेंसी है तो कोल इंडिया लिमिटेड स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे आ जाएगा हमारा उसी तरीके से जैसे बी एस एन एल राइट ये टेलीकॉम सेक्टर का मोनोपोली रोकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हम बने रहेंगे बाकी गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है क्लियर बात हो रही है समझ में आ रही है आपको तो इसी के चलते हमारी गवर्नमेंट हमको डाटा देती है कुछ अबाउट द प्रॉफिटेबल सी कि कितनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस प्रॉफिटेबल है राइट तो ये बताती है हमें ये इकोनॉमिक सर्वे कि मार्च 2020 तक हमारे यहां पे 366 हंड्रेड हो चुकी हैं क्लियर और अगर इनका टोटल प्रॉफिट देखें हम लोग क्या इस पर हम लोग अभी बात पे आते हैं मुद्दा यह है कि इन 366 में से 256 जो है ये ऑपरेशन में है राइट मगर इनमें से सिर्फ 171 CPSC's जो है वो प्रॉफिट बुक कर रही हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट लॉस क्यों उठाए गवर्नमेंट बिजनेस से बाहर हो जाए इससे अच्छा अगर हम टोटल प्रॉफिट मेकिंग की बात करें इन सीपीएसई से तो इट इज नियरली अबाउट वन पॉइंट थ्री एट लैक करोड़ रुपीज राइट वहीं अगर कंसोलिडेटेड लॉस देखें हम इन सारी एंटरप्राइजेस का मिला के तो इट इज़ नियरली अबाउट फोर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज तो आप देख सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट कितना मेजर यहां पे नुकसान झेल रही है इससे हम लोग बाहर आ सकते हैं फिर इसी के साथ साथ हमको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए किस तरीके से सी इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए ये भी हमको इकोनॉमिक सर्वे बताता है ये बताता है कि जो सीपीएसई का बोर्ड होता है हमें इसको पूरी तरीके से रिवेम करने की जरूरत है पूरी तरीके से बदल देने की जरूरत है राइट हमें सीपीएसई को ऑपरेशनल ऑटोनॉमी देने की जरूरत है तो गवर्नमेंट का जो इंटरफरेंस है वो कम से कम हो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी तभी आ पाएगी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो यहां पे हमें बढ़ाने की जरूरत है तो इस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के एक कॉरपोरेट गवर्नेंस बढ़ा के सी को मुनाफे की तरफ ले जा सकते हैं फिर बात करते हैं हम लोग कॉरपोरेट सेक्टर परफॉर्मेंस की नेट प्रॉफिट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का देखें तो ऑफ कोर्स इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.8 परसेंट इन क्वार्टर टू ऑफ 2020-21, राइट अब यहां पे जो रिकवरी है वो तो खैर हमारा सेक्टर कर ही रहा है आयरन स्टील फूड प्रोडक्ट सीमेंट ऑटोमोबाइल फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये सब इसके कारण बने मगर हमें जो जानना है यहाँ पे वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में जो इकोनॉमिक सर्वे हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे हम एक प्रो बिजनेस एनवायरमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन पाए राइट right? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इंडेक्स जिसमें टू की अगर हम बात करें तो वी हैव मूवड अपवर्ड टू सिक्सटी थर्ड पोजिशन जो कि एक साल पहले हम सेवेंटी सेवन पोजिशन पर खड़े हुआ करते थे अमंग वन हंड्रेड एंड नाइन्टी कंट्रीज ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कितनी कंट्रीज होती हैं हमारी टू थाउजेंड एटीन से टू थाउजेंड नाइनटीन में क्या रैंक रही और फाइनली हम लोग कितने पैरामीटर्स पर इंप्रूव कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस में वी आर परफॉर्मिंग और इंप्रूविंग इन सेवन आउट ऑफ टेन इंडिकेटर्स तो अब बचे हुए थी इंडिकेटर्स हमको जानना पड़ेंगे तो वो सेक्टर जो हमें पीछे रख रहे हैं वो है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स करवाने के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी स्टिल वेरी डिफिकल्ट टास्क इन इंडिया एंड ऑफकोर्स रिवोकिंग इंसॉल्वेंसी एंड पे टैक्सेस दीज आर द लेगार्ड्स विच इज लैगिंग बिहाइंड और अगर लीड कॉम्पोनेट्स में हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो जितनी भी हमने स्कीम्स चलाई हैं इसके थ्रू हमने बहुत इंप्रूव करा है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशेंसी लेके आए और ये सारे बहुत कॉम्पोनेंट्स हमारे लीड कर रहे हैं तो ये तीन चीजें हमने ये भी देख ली जिसमें हम लैक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ट्रेंड फ्रॉम 2014 कैसा रहा है तो आप बता सकते हो कि लगातार अपर ट्रेंड पे देखने को मिल रहा है राइट इंडिया का स्कोर कैसा है तो ऑफकोर्स वो ऊपर वाले ट्रेंड पे ही होगा इसके बाद में आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ भी चुका है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के वो दस पैरामीटर कौन से होते हैं तो आपको ये भी याद रखना चाहिए एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी रिजॉल्विंग ऑन्सॉल्वेंसी पेइंग टैक्सेस कंस्ट्रक्शन परमिट्स कैटिंग क्रेडिट इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन स्टार्टिंग बिजनेस ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स एंड गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फिर दोस्तों बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में यू विल बी अमेज टू हियर द फैक्ट्स अबाउट द स्टार्टअप जिसमें कि सबसे पहला फैक्ट तो आप यही सुन लो डिसंबर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज की है फोर्टी स्टार्टअप्स को विच एज प्रोवाइडेड फोर लैक्स सेवेंटी थाउजेंड जॉब्स एज पर द रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया फॉर एस सीज पर्टिकुलरली ये इनिशिएटिव चालू किए मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा एक्शन प्लान क्या है ये तीन पिलर्स पे बेस्ड है कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे प्रोसेसेस को इनके लिए फंडिंग सपोर्ट देंगे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे और इंडस्ट्री और अकेडमिया एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके प्रैक्टिस कर पाए एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए ऐसी हम व्यवस्था स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार जिसमें सबसे पहला इनिशिएटिव जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है इट इज़ रिगार्डिंग द स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम जिसमें बेसिकली जो एक नया स्टार्टअप है उसको असिस्ट करने का काम किया जा रहा है बाय द एम पैनल फैसिलिटेटर जो इस काम में निपुण है ताकि वो लोग फाइल और प्रोजीक्यूट कर पाए अपनी एप्लीकेशन को राइट तो एज ऑफ जून हमारे यहाँ पे 510 पेटेंट फैसिलिटेटर्स हैं मतलब ये बता रहा है कि हम किस लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं 392 ट्रेडमार्क फैसिलिटेटर्स हैं जो फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टार्टअप्स को राइट इसी कारण से यहाँ पे अगर आपको एक ग्राफ के थ्रू जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 2020 में जो हमारा स्टार्टअप्स फाइल्ड हुए हैं राइट उनका आप ग्रोथ देखो बस एक बार आपको बात समझ में आ रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के बाद में जैसा हमने बात की थी फंड ऑफ फंड्स के बारे में अभी जस्ट ऊपर मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा एमएसएमई के बारे में जो हम पढ़ रहे थे फंड ऑफ फंड्स हमने देखा था ना तो बिल्कुल उसी तरह स्टार्टअप्स के लिए भी दस हज़ार करोड़ रुपए का कॉर्पस हमारी गवर्नमेंट लेके आई है विथ द कॉन्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर फोर्टीन एंड फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन साइकिल के अंदर इन दोनों को मिला के तो एज ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी जो हमारी सिड भी है राइट उम्मीद करता हूँ आपको पता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसने भी कमिट किया है कि फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स करोड़ थ्रू देयर सिक्सटी से भी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडस में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे राइट right. तो ये शोकेस कर रहा है कि, कि किस तरीके से हमारे स्टार्टअप्स को ट्रीट करने की आप कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीट स्टार्टअप यात्रा ये एक ऐसा इनिशिएटिव है डेट ट्रेवल्स टू टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज जो कि अभी तक अनटच्ड सिटीज़ हैं क्यों क्योंकि यहीं पे एंट्रप्रनर टैलेंट जो है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है बाय कंडक्टिंग डे लॉन्ग बूट कैंप्स बूट कैंप्स लगा लगा के इट हैज़ ऑलरेडी बीन कंडक्टेड अक्रॉस 23 थ्री स्टेट्स इन टू हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट जिसने 78,000 लगभग लगभग एस्पायरिंग एंटरप्रेनर्स को हिट करा और यहाँ पे इन टोटल 1,424 इनक्यूबेशन ऑफर्स अभी तक स्टार्टअप्स के लिए आ चुके हैं इस इनिशिएटिव को लेके और आखिरी में इनकम टैक्स एक्ज पे कुछ सो so फार 319 स्टार्टअप्स हैव बीन ग्रांटेड इनकम टैक्स एग्जामेशन टिल नवंबर 2020 इसके बाद में इनोवेशंस को बूस्टअप करने के लिए सेक्टर में वी हैव एनकरेज द यूथ टू सिक्योर देयर राइट्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड द प्रोडक्ट डेवलप बाय देम उनको हम लोग ट्रेडमार्क दे पाएँ कॉपी दे पाएँ राइट और इसी के साथ साथ स्टार्टअप्स को एट्टी परसेंट रिबेट दी जा रही है इन पेटेंट फाइलिंग फीस एंड फिफ्टी परसेंट रिबेट ऑन ट्रेड फाइलिंग फीस ये कुछ पॉइंट्स थे आपके लिए जो आप अपनी मेन्स एग्जामिनेशन में लिख सकते हो इसके बाद हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो टोटल एफ इक्विटी इन्फ्लो जो हमारे यहाँ हुआ है इट इज़ 49.98 यूएस बिलियन डॉलर जो कि बढ़ के आया है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में था 44.37 यूएस बिलियन डॉलर यहाँ पे जो लीडिंग इंडस्ट्रीज हैं हमें वो ज़रूर पता कर लेनी चाहिए तो यहाँ पे लीडिंग इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्रीज आएंगी जैसे ऑटोमोबाइल, टेली कम्युनिकेशन मेटलर्जिकल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी केमिकल जहां से मैक्सिमम एफ इक्विटी फ्लो हमारे यहां पे आया है राइट इसी के साथ यहां पे कुछ कोल सेक्टर्स के लिए मेजर भी लिए गए हैं जैसे क्रिएटिंग कार्बन सिंक कार्बन सिंक को क्रिएट कर लेना राइट तो यहां पे ऑलमोस्ट नियर अबाउट 54,000 हेक्टर लैंड को अंडर ग्रीन कवर लेके आ गए हम तो बेसिकली इसके थ्रू हम लोग कार्बन सिंक क्रिएट कर रहे हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग स्टोर करने वाले ठीक है फिर अब हम लोग मूव ऑन करते हैं सेक्टर वाइज इश्यूज एंड इनिशिएटिव पे जिसमें सबसे पहला सेक्टर हम लोग देखेंगे स्टील तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमारी नेशनल स्टील पॉलिसी कब आई तो 2017 में आई राइट ऑफ कोर्स हम लोगों को इसमें क्या करना था क्या एम होगा इसमें कि क्रूड स्टील कैपेसिटी जो है 300 मिलियन टन और फिनिश स्टील कैपेसिटी 200 हंड्रेड मेट्रिक टन मिलियन टन विद पर कैपिटा कंजम्पशन 158 केजी बाय 2030 31 वन तक हमको करना है तो ये आप कुछ पॉइंट इसमें से जॉट डाउन कर सकते हो अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का आफ्टर चाइना ऑल्सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील अगर वो हमारे पर कैपिटल टोटल फिनिश स्टील कंजम्पशन की बात करें तो वो लगभग इतना है डूरिंग फिनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी आजकल यूपीएससी ये चीज़ पूछ रही है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फैक्चुअल पॉइंट्स वहीं वर्ल्ड का अगर देखें तो इट इज टू ट्वेंटी नाइन के जी वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम द वर्ल्ड लेवल क्लियर इसी में दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं बेसिकली ये इनिशियेटिव आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है हमारे यहाँ पे स्टील का उसको यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिसमें एक टर्म आपको देखना पड़ेगी स्पेशलिटी स्टील ये देखो आप स्पेशलिटी स्टील इसके थ्रू क्या है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग जहाँ पे हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आयरन एंड स्टील को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में खरीदने की कोशिश करेंगे साथ ही इस इंडस्ट्री को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाएंगे ये कुछ बात थी स्टील के बारे में अब बात करते हैं कोल के बारे में हम ये जानते हैं कि कोल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है इन इंडिया हमारी जो कंट्री की एनर्जी नीड्स हैं वो फिफ्टी फाइव परसेंट डिपेंडेंट है कोल पे कोल एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ इंटरमीडिएटरी भी काम करता है जैसे स्टील स्पॉन्जी आयरन सीमेंट पेपर ब्रिक्ट एक्सेट्रा या आपको चीज याद होनी चाहिए कि कहां पे इंटरमीडिएट की तरह काम करता है कौन सी इंडस्ट्रीज में राइट फिनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो रॉ कोल का जो प्रोडक्शन था हमारे यहां इट वॉज सेवन ट्वेंटी मिलियन टन इसमें ग्रोथ अगर हम देखें तो बहुत ही माइन्यू स्केल है डेट इज पॉइंट ऑलमोस्ट स्टैटिक आप मान सकते हो इंडिया कोल को इंपोर्ट करता है मेजरली राइट एंड वी इंपोर्ट नियर अबाउट 280 248.54 मिलियन टन विच वी हैव इंपॉर्टेंट फिनशियली ट्वेंटी ट्वेंटी जो कि बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें फाइव मतलब कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है ओवर टू फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ क्लीन एनर्जी की भी बात हो जाए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोल सेक्टर में मेजर्स लिए हैं जैसे क्लीन कोल के लिए वी हैव क्रिएटेड अ कार्बन सिंग जहाँ पे कार्बन को स्टोर किया जा सके अबाउट फिफ्टी फोर ऑफ लैंड ग्रीन कवर के अंडर में हम ले आए हैं बाय मिलियन ट्रीज जिससे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2.7 पॉइंट सेवन लैक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेलेंट पर ईयर को हम लोग स्टोर कर पाएंगे इसी के साथ दो कोल बैड मिथेन के प्रोजेक्ट्स भी प्रपोज्ड हैं विथ कंसिडरबल पोटेंशियल जो कार्बन फुटप्रिंट को रोक पाएंगे या रिड्यूस कर पाएंगे इसी के साथ सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट और इसी के साथ एक अमेंडमेंट इन एक्ट एंड रूल्स ऑफ कोल माइन्स एक्ट एंड माइन्स एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे हम माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन नहीं देखने वाले हैं हम बेसिकली यहाँ पे इसको कंपेयर करने वाले हैं विद द टेक्सटाइल एंड अपेरल सेक्टर ओके लेट मी फर्स्टली टेल यू कि जो डेफिनेशन है ये यह हम यही डेफिनेशन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहले किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन किया जाता था मगर इसके बाद में एम की डेफिनेशन को किस तरीके से आज क्लासीफाई किया जाता है अब भले ही मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो माइक्रो उसे कहा जाएगा जिसका इन्वेस्टमेंट एक करोड़ से कम है टर्न ओवर करोड़ से कम है स्मॉल उसे कहा जाएगा जिसका इन्वेस्टमेंट एक करोड़ से ज़्यादा मगर दस करोड़ से कम है मगर टर्न ओवर पाँच करोड़ से ज़्यादा और पचास करोड़ से कम है वहीं मीडियम उसे कहा जाएगा जिसका इन्वेस्टमेंट दस करोड़ से ज़्यादा मगर बीस करोड़ से कम है और टर्न ओवर पचास करोड़ से ज़्यादा मगर सौ करोड़ से कम है तो अब मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विसेज हो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्न ओवर यहाँ पर डेफिनेशन डिफाइन की जा रही है अब ऐसा क्यों किया गया इसको अगर आप जानना चाहते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि एम एस एम ई डी एक्ट टू थाउजेंड सिक्स के हिसाब से एम एस एम ई इसको वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट पे इससे देखा जाता था अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि ये चीजें कैलकुलेट होती थी इनकी ओरिजिनल प्राइस पे तो ये तो सिचुएशन पे पहुंच जाते थे और वो अपने इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे और हमेशा छोटा रहना चाहेंगे तो यहां मतलब एक बड़े लेवल पे इनको लाने के लिए और एक कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए सिग्निफिकेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमने इस डेफिनेशन को चेंज करने का फाइनल डिसीजन लिया चलिए तो चलिए अब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं टेक्सटाइल एंड अपेल्स इसको हम कंपेयर करेंगे एमएसएमई के साथ में तो मैं इसके बेसिस ऑफ कंपैरिजन आपको बताता जाता हूं जल्दी जल्दी सबसे पहला है जीडीपी कंट्रीब्यूशन अगर एमएसएमई का देखें तो इट अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूट थर्टी परसेंट वहीं टेक्सटाइल एंड अपेरल्स कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 2 परसेंट अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे एमएसएमई हमें इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि नियर अबाउट 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है वहीं टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैनर नियर अबाउट 10.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है दिस सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द कंट्री तो पहला कौन है यह भी आपको पता होना चाहिए आफ्टर एग्रीकल्चर इसके बाद एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो कंट्री का आधा एक्सपोर्ट एमएसएमई के थ्रू जाता है हाफ वहीं टेक्सटाइल और अपैरल में इंडिया इज द सिक्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर चाइना जर्मनी बांग्लादेश वियतनाम एंड इटली सबसे पहला कौन सा आ जाएगा चाइना और आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे जर्मनी बोला और उसके बाद में सीधे बांग्लादेश बोल दिया तो जी हां यही हमने पढ़ा भी था कि बांग्लादेश किस तरीके से अपने पांच सेक्टर को आपने पढ़ा था ना कि बांग्लादेश जो है वो अपने पांच सेक्टर से कितना कॉन्ट्रीब्यूट करवा रहा है एक्सपोर्ट का नाइन्टी फोर परसेंट जिसमें टेक्सटाइल और अपेरल भी है इसी कारण से हमको भी ऐसा बोला जा रहा है कि बांग्लादेश के इस मॉडल को हमें अपनाना चाहिए जिसमें हम क्या करें कि कुछ सेक्टर्स को पकड़ लें और उस पर ही हम लोग काम करें ठीक है अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीजें जो ऊपर छोड़ दी थी वो मैं आपको यही बता देता हूं कि किस तरीके के मेजर्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं एमएसएमई के लिए और साथ ही साथ टेक्सटाइल एंड अपेरल्स के लिए तो यहां पे सबसे पहले तो एमएसएमई की डेफिनेशन ही चेंज कर दी ठीक है एमएसएमई के लिए हमने यहां पे एक उद्यम उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला है राइट। right. फिर एक चैंपियंस आपने सुना हो अगर चैंपियन स्टैंड फॉर क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ बेसिकली दो की पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखने है कि आउटपुट बढ़ाने के लिए नेशनल स्ट्रेंथ जो कि एमएसएमई पर डिपेंड करती है इसको बढ़ाने के लिए चैंपियन स्कीम हम लेके आए ठीक है इसी के साथ अगर टेक्सटाइल और अपैरल की बात करें तो यहां पे भी अमेंडेड टेक्नोलॉजी ए टी यू एफ एस के नाम से हम स्कीम लेके आए हैं जिसका फुल फॉर्म है अमेंडेड यहां पे लिखी हुई है मैं आपको दिखा देता हूं ये देखिए अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क एंड अ स्कीम कॉल्ड समर्थ तो समर्थ स्कीम दूसरी हो गई ठीक है स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क ये दूसरी एटीयूएफएस तीसरी तो तीन स्कीम आप टेक्सटाइल एंड अपेरल्स के लिए ध्यान रख सकते हो चलिए फिर बात करते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट को हमारे लिए लेके आई है टू रिवेम द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बाय द नेम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी 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 फाइव इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने की कोशिश की जाएगी इस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो यू विल बी अमेज टू हियर दैट इज इट इज वन पॉइंट फाइव यू एस ट्रिलियन डॉलर दैट इज हंड्रेड एंड इलेवन करोड़ रुपीज लैक करोड़ इसमें बस प्रॉब्लम यह है कि इट इज जॉइंटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर यह आपको इस ग्राफ से याद रखना चाहिए आप हमेशा याद रख पाओगे यहां पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में बिल्कुल कि बताओ इसमें सबसे बड़ा जो प्रोपोर्शन है वो कौन पे करेगा तो उसका ऑफकोर्स जवाब होना चाहिए आपके पास सेंटर मगर हां इसके बाद कौन फिर वो स्टेट है और ट्वेंटी प्राइवेट सेक्टर है तो बात यह है और प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट सेक्टर कहां से आएगा और एक कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट करेगा खैर अगर हम प्रोजेक्ट या सेक्टर्स बेसिस पे देखें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को तो यहां पे सबसे मेजर प्रपोर्शन जो सेक्टर लेके चल रहा है अपने साथ वो है एनर्जी राइट right? क्योंकि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे प्राइमरी नीड होती है वो होती है एनर्जी तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरीके से एनर्जी रोड्स उसके बाद में अर्बन रेलवेज एंड अदर्स नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं अब यहां पे एक और वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम से आपको चीज याद रखनी पड़ेगी राइट right. यह आप देख पा रहे हो उम्मीद करता हूं स्कीम इन वायबिलिटी गैप फंडिंग ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है कि जो भी पैसा स्कीम में कम पड़ रहा होता है उसको गवर्नमेंट फाइनेंस कर दे ठीक है आसान भाषा में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको भी रिवैम है इसके बाद हम सेक्टोरल डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात करके इस चैप्टर को समअप करते हैं दोस्तों यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हो अगर हम रोड सेक्टर की बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर के थ्रू एडिशन हुआ इट इज अबाउट 4.6 परसेंट ठीक है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कितना है 4.6 परसेंट जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है 67 सेवन परसेंट यह आपको ध्यान रखना है इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें तो उसमें सबसे मेजर प्रपोर्शन कौन सा सेक्टर लेके चल रहा है रोड सेक्टर राइट इसी के बाद 63.86 लाख किलोमीटर ऑफ रूरल अर्बन रोड्स एंड नेशनल स्टेट हाईवेज हमारे पास हैं जो कि इंडिया को यूएस के बाद में दूसरा देश बना के खड़ा कर देता है राइट अगर हम यहाँ पे पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें जो कि नितिन गडकरी जी बहुत बार बोलते हैं कि वी हैव अचीव्ड वेरियस स्माइल स्टोन इन बीजेपी गवर्नमेंट तो पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ये बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ी है अगर मैं आपको बताना चाहूं ट्वेंटी फोर्टीन फिफ्टीन में यह थर्टी किलोमीटर डे थी जो अब जाके थर्टी किलोमीटर डे हो चुकी है तो यह एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए और इन्वेस्टमेंट की भी अगर हम बात करें तो हाईवे सेक्टर में तीन गुना इन्वेस्टमेंट छह सालों में डेट इज फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 2015 टू 2020 ट्वेंटी यह बढ़ चुका है तो यहां पे आप देख भी सकते हो कि रोड कंस्ट्रक्शन किस तरीके से बढ़ा है इन्वेस्टमेंट ये यहां पे ग्राफ्स के थ्रू हमको बताने की कोशिश की है चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले सेक्टर डेट इज सिविल एविएशन के बारे में राइट आपको जान के खुशी होगी कि हमारा जो डोमेस्टिक ट्रैफिक है इट हैज मोर देन डबल्ड अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2014 से कंपेयर करें जब ये 61 मिलियन हुआ करता था आज ये फिनेंशियल ईयर 2020 में 137 मिलियन हो चुका है जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ है और अगर हम पर एन के हिसाब से देखें तो इट इज़ फोर्टीन परसेंट ग्रोथ रेट इन आर डोमेस्टिक ट्रैफिक रैपिड ग्रोथ में अगर हम देखें तो इंडिया का आज की तारीख में थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट हम लोग बना चुके हैं और साथ ही साथ ये अभी तो हम डोमेस्टिक एविएशन मार्केट की बात कर रहे हैं हम बहुत जल्द ये एक्सपेक्टेड है कि थर्ड लार्जेस्ट ओवरऑल बन जाएंगे बाय फाइनेंशियल ईयर तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है हमारे सामने इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्राफिक तो ये आपको चीज़ याद रखनी है और साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है वंदे भारत मिशन के बारे में जिसके थ्रू स्टैंडर्ड इंडियंस जो थे बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में हमने उनको यहाँ पे लाने की कोशिश करी और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमको उड़ान इनिशिएटिव नहीं भूलना चाहिए राइट उड़े देश का आम नागरिक नागरिक तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा तो यहाँ पे हमने क्या करने की कोशिश करी थी लोगों को रिमोटेस्ट कॉर्नर्स को जोड़ के लोगों का डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने की कोशिश की थी और साथ ही साथ जो लाइफ क्रिटिकल सप्लाईज होती हैं टू द लार्ज लास्ट कॉर्नर मेडिकल सप्लाईज उसको सीमलेसली हम लोग पहुंचा पाए इसके थ्रू हमने ये कोशिश की थी इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जो होता है हमारे लिए वो है पोर्ट एंड शिपिंग इंडिया में 95 परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है राइट यहां पे जो ध्यान रखना है 95% ऑफ टोटल वॉल्यूम की बात चल रही है इंटरनेशनल ट्रेड में राइट ये इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात नहीं चल रही है इट इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इट इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो 95% वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सी से होकर गुजरता है इसके बाद में अगर हम पोर्ट कैपेसिटी की बात करें तो आज की तारीख में अगर हम मेजर पोर्ट्स को देखें तो मेजर पोर्ट्स में जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो बढ़ के जो कि पहले 871 हंड्रेड मिलियन टन हम कर पाते थे पर एनम 2014 में वो बढ़ के हम 2020 में 1534 मिलियन टन पर एनम कर पाते हैं ठीक है एवरेज टर्न अराउंड टाइम की अगर हम बात करें तो ये 61.75 वन आर्स रहा है जो कि फिनांशियल ईयर 2011 में 126.96 ट्वेंटी आर्स था तो हमने इंप्रूव तो करा ही है नो डाउट राइट एवरेज आउटपुट पर शिप पर बर्थ डे देखें तो ये बड़ा है From 12, tons to 16, tons, जो कि हम Indian Indian हमें थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क बना देता है पूरे वर्ल्ड में इंडियन रेलवे टू बिलियन टन का फ्लाइट और एट पॉइंट वन बिलियन पैसेंजर्स को एक साल में कर, मतलब, ट्रांसपोर्ट करता है राइट जो कि हमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैसेंजर कैरियर और फोर्थ लार्जेस्ट फ्राइट कॉरिडोर बना देता है मैं आपको जरूर यहां पे मेंशन करना चाहूंगा विवेक देबे के रिकमेंडेशंस को यह देब रॉय कमिटी बनाई गई थी टू रिवेम द इंडियन रेलवे सिस्टम यहां पे इनकी जो सबसे पहली रिकमेंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि हम लोग क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर देते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या होता है कि हम लोग जो पैसा फ्लाइट से कमाते हैं उस पैसे से हम सब्सिडाइज कर देते हैं हमारी पैसेंजर टिकट्स को तो यहां पे क्या होता है कि फ्राइट सस्ता होना चाहिए और जो पैसेंजर है उनको पूरा पे करना देना चाहिए मगर ऐसा हम नहीं करते जिस कारण से ये जो है पार्ट ये हमारा कॉस्टली हो जाता है इसी के साथ साथ यहाँ पे चाइना से अगर हम कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे हमको एक चीज बताता है ये कम्यूनिटी कि चाइना में सेपरेट फ्लाइट कॉरिडोर काम करते हैं मतलब सामान जो है वो अलग रेल नेटवर्क के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है हमारे यहाँ पे क्या होता है आगे लोग पीछे सामान तो इस कारण से जो पेरिशेबल आइटम होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं तो ये चीज़ें कुछ रिकमेंडेशनस थी इसको रिवेम करने की खैर अभी भी हम इस पर काम कर रहे हैं वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डेवलपिंग द फ्राइट कॉरिडोर वी हैव स्टार्टेड ट्रांसपोर्टिंग द फ्राइट कॉरिडोर थ्रू अ सेपरेट नेटवर्क तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके बाद अगर हम सेफ्टी मेजर्स की बात करने की कोशिश करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमको जानना चाहिए कि नंबर ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो बहुत कम हुए हैं अगर हम फिनंशियल ईयर 17 में देखें तो इट वाज 104 एक्सीडेंट्स ऑन एन एनुअल बेसिस मगर फिनेशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी में इट इज ओनली फिफ्टी फाइव और हमने जीरो एक्सीडेंट का टारगेट लिया हुआ है ठीक है जबकि यहाँ सब्सटेंशियल इंक्रीज आया मतलब आप ये भी सोच सकते हो ना कि कम इसलिए होगा कि ट्रैफिक कम हो गया नहीं सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है ट्रैफिक वॉल्यूम में जो इंडियन रेलवे कैरी करता है इसके बाद में हम बात करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ठीक है पी 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 मॉडल के बारे में इस पी 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 मॉडल के थ्रू हमने एक न्यू इंडिया न्यू रेलवे इनिशिएटिव को लॉन्च किया है इस इनिशिएटिव में बेसिकली हम प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं रेलवेज में जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि तीस हजार करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट प्राइवेट पेयर की तरफ से आएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ऐसे 150 फिफ्टी पेयर ऑफ ट्रेन सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया है जहां पे मॉडर्न ट्रेन सेट्स और रेक्स थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशन हम लोग लॉन्च कर सकते हैं तो यहां पे 50, 150 services, जहां पे 151 और रेक्स को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं प्राइवेट एंटिटी से क्या उम्मीदें हैं या फिर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो रहेगी फाइनेंसिंग की अफकोर्स पीपीपी मॉडल में फाइनेंसिंग जो है उससे गवर्नमेंट बचती है राइट right? तो फाइनेंसिंग कौन करेगा प्राइवेट सेक्टर करेगा फाइनेंसिंग के बाद प्रोक्योरिंग का काम कौन करेगा ये भी प्राइवेट सेक्टर करेगा ठीक है मटेरियल को प्रोक्योर करना फिर ऑपरेटिंग और उसका मेंटेनेंस ये चीज़ चार चीजें प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट एंटिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी ठीक है और हाँ फेयर कौन डिसाइड करेगा वो भी प्राइवेट सेक्टर को जिम्मा दे दिया गया है कि आप ही सेट करोगे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम या मैं बोलूँगा चैलेंज है क्योंकि यहां पे ये इस प्राइसेस को बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हैं खैर बात करते हैं थोड़ी सी यूनियन बजट 2020-21 के बारे में जिसमें अनाउंस किया गया था किसान रेल सर्विसेज के बारे में ताकि जो पेरिशेबल जो भी मैं आपको बता रहा था पेरिशेबल एग्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में ईज कर पाए ठीक है और जो फार्मर्स हैं वो उससे बेनिफिट ले पाए तो यहाँ पे किसान रेल सर्विसेज आपको ध्यान रखना है इसके बाद में यहाँ पे पार्सल ट्रेन पार्सल स्पेशल ट्रेन कोविड नाइन्टीन के टाइम पे चलाई गई थी जिसके थ्रू जो इसेंशल कमोडिटीज़ होती हैं थ्रू आउट द कंट्री उसको सप्लाई किया गया था और इसी कारण से डिस्टर्ब नहीं हुई थी तो ये पार्सल स्पेशल ट्रेन सर्विसेस को ध्यान रख सकते हो आप उसके बाद नेशनल रेल प्लान नेशनल रेल प्लान बेसिकली हमारे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इक्विप बनाना और 2030 तक ध्यान रखिएगा 2030 तक ये सारे चीज़ों को कैटर कर पाए हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और 2050 तक हमारे ट्रैफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए ऐसा हम ट्वेंटी थर्टी तक डिजाइन करने की सोच रहे हैं थ्रू आर नेशनल रेल प्लान इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रेल फ्राइट है उसको ट्वेंटी सेवन परसेंट से फोर्टी फाइव परसेंट तक बढ़ा देना मॉडल शेयर ऑफ रेल इन फ्राइट फ्रॉम द करेंट लेवल ऑफ टू ठीक है और इसके लिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहा है विद सफिश मॉरेटोरियम पीरियड तो यहां पे ये बात थी कुछ रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई अब चलते हैं हम लोग टेलीकॉम सेक्टर पे तो यहां पे टेलीकॉम सेक्टर का जो सिग्निफिकेंस है ना दोस्तों वो आपको सबसे पहले आता है समझ में जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी के थ्रू ठीक है मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि जनधन आधार योजना जनधन योजना के बाद में इसको जो आधार और मोबाइल से लिंक किया गया था इसको बोला जाता है जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी ये बहुत से सोशल सेक्टर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में और प्रो डेवलपमेंट इनिशिएटिव को चलाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका यूज़ लिया इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इस सेक्टर को बहुत ही पावरफुल टूल माना गया है फॉर डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए यहाँ पे अगर हम हमारे टेलीकॉम सेक्टर की कुछ बातें देखने की कोशिश करें जैसे कि कितने वायरलेस फ़ोन हैं कितने लैंडलाइन फ़ोन हैं इंटरनेट सब्सक्राइबर कितने हैं डाटा कंजम्पशन कितना है डाटा की कॉस्ट कितनी कम हुई है तो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जैसे जो हमारा टेलीफोनी इनफैक्ट वायरलेस टेलीफोनी 98.3 परसेंट पे आ गया है मतलब कि अब जो लैंडलाइन टेलीफोन्स होते हैं उनका जो प्रपोर्शन रह गया है इट इज़ ओनली 1.7 परसेंट तो आप देख सकते हो कि हम लोग इस कैशलेस ट्रांजेक्शन या कैशलेस इकनॉमी जो हमारी गवर्नमेंट बनाना चाहती है वो किस तरीके से हम कर पाएंगे अगर हम पैन इंडिया में ओवरऑल डेंसिटी देखने की कोशिश करें तो इट इज़ 86.6 परसेंट बहुत अच्छी है हाँ मगर एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो हम फेस कर रहे हैं इट इज़ द रूरल एंड अर्बन डिवाइड राइट यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं डाटा देखो यहाँ पे रूरल एरिया का देखो डाटा कितना दिया है फिफ्टी नाइन डेंसिटी मतलब कि अगर सौ लोग हैं तो साठ लोगों के पास लगभग लगभग वहीं अर्बन एरिया में ये वन अब वन का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये कैसे हो गया ज्यादा तो एक के पास एक से ज्यादा है क्लियर हो रही बात तो ये 139 परसेंट है अर्बन एरिया में तो ये अर्बन और रूरल का आपको साफ डिवाइड देखने को मिल रहा है इनफैक्ट नियर अबाउट टू टू टाइम्स है राइट right? डिफरेंस जो है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की बात कर लेते हैं इंटरनेट सब्सक्राइबर्स बड़े हैं हमारे यहाँ पे और बढ़ना भी चाहिए 2019 में ये कुछ 636 मिलियन हुआ करते थे जो कि अब कितने 776 मिलियन कुछ राइट डाटा कंजम्पशन की अगर हम बात देखें तो डाटा कंजम्पशन हमारे यहां बढ़ा है पर सब्सक्राइबर पर मंथ का जो कि 9.1 पॉइंट जीबी हुआ करता था 2019 में और आज जाके कितना है लगभग लगभग 12 जीबी डाटा कॉस्ट की बात करें तो ये भी कम हुई है कितनी कम हुई है जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है और सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का इट इज भारत नेट ये भारत नेट के बारे में दोस्तों आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम हमारे इंटरनेट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रॉडबैंड हाईवेज के थ्रू बना के ग्राम पंचायत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं राइट यहां पे आप देख भी सकते हो कि 15 जनवरी 2021 तक 4.87 लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है जिसके थ्रू 1.63 लाख ग्राम पंचायत को नियरली 1 ग्राम पंचायत को सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिए ठीक हाँ, है और हां यहां पे लक्ष्य है गवर्नमेंट का कि वन जी बी स्पीड यहां पे इन ग्राम पंचायत को पहुंचानी है अब देखो यहां पे अगर ग्राम पंचायत में इंटरनेट पहुंच गया तो आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पे गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ सकते हैं कैसे जैसे हमने देखा था ना कि ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर हम लोग बना रहे हैं तो इन कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू ही हम यहां पे जितनी भी सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं जितने भी हमारे लोग हैं उनको हम मेन स्ट्रीम कनेक्टिविटी दे सकते हैं ठीक है और इसको सिखाने के लिए हमको यह भी पता है कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स बना रहे राइट right. तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी थी भारत नेट के अंदर चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर पे, डेट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर पूरे वर्ल्ड में आफ्टर यूएस एंड चाइना यहां पे मैं आपको सबसे पहले इसको पढ़ाने के पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूँ कि हम अभी तक सबसे ज्यादा पेट्रोलियम या ऑयल को इंपोर्ट करते थे सऊदी अरेबिया से बट नाउ वी हैव शिफ्टेड आर फोकस टू यूएस अब हाँ यहाँ पे कुछ चैलेंजेस जरूर है जैसे कि सऊदी अरब से जो कंसाइनमेंट आता है इट टेक्स नियरली अबाउट ट्वेल्व डेज मगर यूएस से जो कंसाइनमेंट आता है इट नियरली टेक्स अबाउट फोर्टी फाइव डेज साथ ही आपको कुछ ये भी पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया से जो हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं वो ब्रेंड क्रूड होता है वहीं जो यूएस से हम इंपोर्ट करते हैं वो डब्ल्यू होता है ठीक है वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडियरी तो यहां पे होता क्या है कि ब्रेंड क्रूड को ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत पड़ती नहीं है डब्ल्यू को थोड़ा सा ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत पड़ती तो आप बोलोगे कि ये तो सारे नेगेटिव हो गए उसके बाद भी हम क्यों यूएस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि सऊदी अरब से इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने ऑयल प्राइस को थो थोड़ा कम कीजिए ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक मगर सऊदी अरब ने हमको नकार दिया तो अब यहां पे हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं यूएस के साथ वो बेहतर हो और साथ ही साथ एक्चुअली में हमारा जो ट्रेड बैलेंस है ना यूएस के साथ में वो पॉजिटिव है मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ऑयल को यूएस से ही परचेस करें ठीक है तो खैर यहां पे हम आगे चलते हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया का जो एनर्जी है, वो डोमिनेट करता है बाय कोल इंडिजीनियस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो और कम हो गया है फिनेंशियल ईयर ट्वेंटी में थर्टी मिलियन मेट्रिक टन पे आ गए हम जो हम पहले थर्टी तो हम ये समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल में हम नीचे जा रहे क्लियर और ऑफकोर्स कोविड पेंडेमिक के कारण ही है डिक्लाइन आया है तो यहाँ पे इसको नॉर्मल सी में आने में टाइम लगेगा और इसी कारण से हमको क्रूड ऑयल ज़्यादा परचेस करना पड़ता है नेचुरल गैस के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अगेन ऑन अ डिक्लाइनिंग पाथ फिनशियल ईयर 2019 में 32 बिलियन क्यूबिक मीटर्स वाइल इन 2020 इट वाज 31.18 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें थी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में और इसी से जुड़ा हुआ हम लोग अब नेक्स्ट सेक्टर पावर सेक्टर की बात करते हैं राइट तो पावर सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती है कि हम कितनी एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं राइट तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है मतलब हम कितना कर सकते हैं यह बड़ी है थ्री लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड से थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड और जो जनरेशन कैपेसिटी है यह बड़ी है जो कि पहले हुआ करती थी टू लैख थर्टी वन थाउजेंड मेगावाट अगर हम थर्मल की बात करें फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स मेगावाट हाइड्रो की बात करें और यहां पे आपको सारी दिख जाएगी राइट तो यहां पे आज की तारीख में हम ओवरऑल कितनी कर सकते हैं थ्री लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड फोर मेगावाट ठीक है 3, 73, मेगा अब यहां पे आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों आपसे बिल्कुल ये पूछा जा सकता है मैं बार बार बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम कहां से प्रोड्यूस करते हैं तो जवाब हो जाएगा थर्मल दिख भी रहा होगा आपको राइट उसके बाद उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि हम रिन्यूएबल्स सारे मिला के ठीक है उससे करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी उसके बाद हाइड्रो एनर्जी और उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमारे यहां पे जो इसके थ्रू जनरेशन होता है वो बहुत कम होता है इससे आपको ये भी समझना चाहिए इसके बाद में दोस्तों अगर हम एनर्जी इंटेंसिटी को देखें राइट तो यहां जैसा आप देख पा रहे हो कि 2011-12 के प्राइसेस टू थाउजेंड इलेवन टें टूटे तो डिक्रीज फ्रॉम सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टन टी ओ बोला जाता है इसको राइट टी ओ टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर करोड़ रुपीस तो ये 65.6 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर करोड़ रुपीस जो कि फाइनेंशियल ईयर 2012 में थी ठीक है यहां से शिफ्ट होकर 55.43 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 2019 ये हमको देखने को मिल रही है यहां पे आप देख सकते हो उम्मीद करता हूं ये दोनों ही फिगर ठीक है तो एनर्जी इंटेंसिटी और पर कैपिटा कंजम्पशन ट्रेंड यहां से बहुत से देखा जा सकता है तो एनर्जी इंटेंसिटी डाउन जा रही है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन अप हो रहा है क्लियर यहां पे इसके बाद में पर कैपिटा इंक्रीज कितनी हो रही है ये वापस बताने की जरूरत नहीं है ये पॉइंट फोर सेवन से यहां पे बढ़ रही है पॉइंट फाइव एट ठीक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट अगेन ये टी ओ में ही हर चीज दी हुई है इसके बाद में हमारे यहाँ पे टी एन डी लॉसेज जो होते हैं टेक्निकल लॉसेज जिसको बोला जाता है ए टी लॉसेज भी आप जो सुनते हो ठीक है ए तो ये ए टेक्निकल लॉसेस होते हैं हीट एनर्जी जैसे लॉस होती है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने में मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा ये बहुत हमारे यहाँ पे हाई होती है राइट तो नेक्स्ट सेक्टर जिसमें हम मूव ऑन कर रहे हैं वो है माइनिंग सेक्टर हम जानते हैं माइनिंग कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए क्योंकि यहीं से सारे नेचुरल रिसोर्सेस हमारे जितनी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमको एक डाटा बताया गया है कि हम कितने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये 95 मिनरल्स हैं जिसमें चार हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स हैं जैसे कोल लिग्नाइट पेट्रोलियम नेचुरल गैस फाइव एटॉमिक मिनरल्स हैं जैसे यूरेनियम मोनेजाइट जिरकॉन रूटाइल और एलमेनाइट इसी के बाद ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे टेन मेटेलिक ट्वेंटी वन नॉन मेटेलिक और फिफ्टी फाइव माइनर मिनरल्स है इस मिनरल सेक्टर के लिए दोस्तों हमारी गवर्नमेंट कुछ इनिशियेटिव भी लेके आई है जैसे माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन में कुछ अमेंडमेंट्स करके राइट जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एलोकेट करना ऑक्शन करना इसके थ्रू क्या करने की कोशिश की गई ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई और जो डिस्क्रिशन एक होता था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स में कि जिसको देना है वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं इसको खत्म किया गया राइट right. इसके बाद में नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को फॉर्म किया गया जो कि एक्सप्लोरेशन को इम्पेटस मतलब कि ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है यूनिफॉर्म लीज पीरियड यहाँ पे फिफ्टी ईयर्स का दिया जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ की गई वो ये है कि जैसे मान लो कि, कि किसी व्यक्ति ने कोई ऑप्शन में एक माइंड ले ली ठीक है और उसने सारे स्टेचुररी क्लियरेंसेस करवा लिए थे मगर उसने वो जो माइन है वो ट्रांसफर करी या उसने दे दी किसी को तो यहां पे जो ओल्ड लीजी ने क्लियरेंसेस करवाए थे वो जब नई बीडिंग प्रोसेस के थ्रू कोई दूसरा व्यक्ति लेगा उससे ले ले या वो काम नहीं कर पा रहा है तो वापस जैसे उसने छोड़ दी वेकेंट फील्ड तो अब हमारे यहाँ पे माइनिंग तो नहीं हो रही फिर कम हो जाएगा माइन तो गवर्नमेंट क्या करती है एक और बीडिंग प्रोसेस करवाती है एलोकेट दूसरे को कर देगी तो वो जो सक्सेसफुल बिडर होगा राइट अप टू अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स फॉर ऑल ब्राउन फील्ड माइंड ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है ऑल जिस एक होता है ग्रीन फील्ड ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि पहली बार ही माइन पे काम शुरू हो रहा है ब्राउन फील्ड जैसे हमने देखा कि एक बार पहले ऑलरेडी एक व्यक्ति ले चुका था जो उस पर काम नहीं कर पाया तो दूसरे व्यक्ति को गवर्नमेंट एज इट इज सारे लाइसेंस क्लियरेंसेस ट्रांसफर कर देगी ओल्ड डीजी के तो उसको वापस से सारे क्लियरेंसेस लेने का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ठीक है अब हमारे यहाँ पे जनरली जो क्लियरेंसेस के टाइम है वो बहुत ज़्यादा थे जैसे थ्री टू फोर इयर्स तो इसको भी हम लोग लगातार डिले करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमने बहुत अच्छा काम किया भी है तो ये कुछ पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर पर डैट इज हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें यहाँ पे तो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 37.7 करोड़ है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है कि 60 करोड़ हो जाएगी बाय 2030 मतलब कि अर्बन प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है इसी कारण से यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को लाया गया राइट right? तो 2020 तक अक्टूबर 2020 तक 3,378 करोड़ रुपीस स्टेट्स स्टेट, यूनियन टेरिटरीज को डिस्बर्स कर दिए गए हैं जिससे यह देखा गया है कि 9.9 लाख, नाइन लैख अप्रोक्सीमेटली टेन लैक बेनिफिशरीज को स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफाइड कर दिया गया है जिससे कि उनके एम्प्लॉयबिलिटी और उनकी वेजेस में एनहेंसमेंट हो पाए राइट इसके बाद आता है प्रधानमंत्री आवास योजना ऑफ कोर्स ये पीएम स्निधि स्कीम तो हम छोड़ रहे हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं दस हज़ार रुपये स्ट्रीट वेंडर्स को कैसे कोविड पेंडेमिक के टाइम पर दिए गए थे हम इसके आगे चल रहे हैं और हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में राइट प्रधानमंत्री आवास योजना है सो फार अप्रूव मोर देन हंड्रेड एंड नाइन लैक हाउस नाइन लैक हाउसेज को अप्रूव कर दिया गया है जिसमें से सत्तर लाख घर जो है उस पर कंस्ट्रक्शन भी चालू हो चुका है राइट फोर्टी वन लैख हाउसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं हमारी सरकार के बहुत ही बड़ा आंकड़ा है एक सब स्कीम भी इसके अंदर चल रही है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस ये आपको ध्यान रखना है यूपीएससी पूछ सकता है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ही एक सब स्कीम है राइट तो जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनको डिसेंट एक रेंटल हाउसिंग हम एक अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड कर पाए उन लोगों के लिए है ये तो माइग्रेंट वर्कर्स ध्यान रखना क्योंकि कोविड पैंडेमिक के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है ठीक है और इसके बाद आखिरी हम बात करेंगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जहां पर बहुत ही सस्ते घर बनाए जा रहे हैं ये अभी हर जगह तो नहीं है ये सिक्स प्लेसेस पे इस पायलट प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया है ये सिटीज आपसे पूछ सकते हैं लखनऊ इंदौर राजकोट चेन्नई रांची और अगरतला ठीक है तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है और ये ध्यान रखना है कि बहुत सस्ते टाइप के घर है ठीक है मतलब कि बहुत अफोर्डेबल मैनर में इसको कोई ले सकता है तो दोस्तों आई एम एंडिंग दिस चैप्टर हियर होप यू लाइक दिस उम्मीद करता हूँ आपने इसमें बहुत चीजें सीखी होंगी समझी होंगी अगर हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा ऑल्सो इफ इफ एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक फील फ्री टू आस अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर की आपको पी डाउनलोड करना है पढ़ना है जो हमने मार्कआउट किया उसको देखना है तो यू कैन डू इट फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल आप वहाँ पे जाके इसकी पी को डाउनलोड कर सकते हैं इन दी एंड कीप शाइनिंग हैव अ गुड डे थैंक यू फॉर एयरिंग अस